अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट और मैं हूं आपका अपना मेजबान मुजम्मिल बट। नाजरीन, इस समय बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है वो महाराष्ट्र के इलाके से जो है वो खबर निकल के सामने आ रही है कि एक मुस्लिम स्पिरिचुअल लीडर जो कि रहने वाला अफगानिस्तान का था, जिसका नाम ख्वाजा सैयद चिश्ती, और पॉपुलरली उसको लोग सूफी बाबा करके जो है वो पुकारते थे, उसको जो है वो मार दिया गया है और उनको जो है वो शॉट डेड कर दिया गया है। हालांकि ये महाराष्ट्र का वाक्य है जो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी उम्र मैं आपको बता दूं कि 35 साल उनकी उम्र जो है वो बताई जा रही है। उनका नाम ख्वाजा सैयद चिश्ती है, जो कि प्रॉपरली उनको लोग जो है ज्यादातर सूफी बाबा के नाम से जो है उनको जानते थे। ये तस्वीर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वो तस्वीर है जो जिनकी जो शॉट डेड जिनको किया गया है, और पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस अपनी तहकीकात जो है वो कर रही है। लेकिन एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक मुस्लिम लीडर जो कि रहने वाला अफगानिस्तान का है, और इस समय अगर बात की जाए वो महाराष्ट्र के अंदर जो था वो मौजूद थे और वहाँ पे अपने किसी प्रोग्राम के लिए जो थे वो जा रहे थे, और रास्ते में उनको जो है वो शॉट डेड कर दिया जाता है। पुलिस ने जो है वो मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन इस समय जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और साफ तौर पे पुलिस का ये कहना है कि जो मेन सस्पेक्ट है, मेन सस्पेक्ट जो इसमें बताया जा रहा है, वो उन्हीं का ड्राइवर यानी कि चिश्ती साहब का, ख्वाजा सैयद चिश्ती साहब का जो ड्राइवर है इसमें जो है वो मेन सस्पेक्ट बताया जा रहा है, जिनके द्वारा जो है ये गोली चलाई गई है। और ये भी कहा गया है कि गोली जो है वो उनके सिर के जो है वो इस जगह बिल्कुल बीचों बीच सिर के जो है वो आर पार की है, और मौके पे ही जो है चिश्ती साहब जो थे वो इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। एक बहुत ही दुखद खबर है, और ये कहीं ना कहीं जो है उनके ड्राइवर के ऊपर जो है वो निशाना साधा जा रहा है, और मेन सस्पेक्ट पुलिस के द्वारा जो बताया गया है वो उनका ड्राइवर जो है मेन सस्पेक्ट जो है वो बताया गया है। और आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही दुखनाक और शर्मनाक वाक्य है जो महाराष्ट्र के अंदर जो है ये घटा है, क्योंकि चिश्ती साहब जो है वो सबसे ज़्यादा मशहूर थे अपने सूफी बाबा के नाम से, क्योंकि वो ऊपर वाले की और दरगाहों की थी वो काफी ज्यादा वहां पे बैठ के जो थी वो तालीम और लोगों को जो थे वो सही रास्ता दिखाने का जो था वो प्रयास करते थे। लेकिन आज उनको जो है वो शूट कर दिया गया उनके ड्राइवर के द्वारा, जो कि पुलिस की जो स्टेटमेंट है जो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बहुत ही दुखद समाचार है, एक मुस्लिम स्पिरिचुअल लीडर यानी कि जो कि रहने वाले अफगानिस्तान के थे, उनको आज महाराष्ट्र के अंदर जो था वो शॉर्ट डेड कर दिया गया, और मेन जो सस्पेक्ट बताया जा रहा है वो उनका ड्राइवर जो है मेन सस्पेक्ट बताया जा रहा है। इस समय की बड़ी खबर जो है वो महाराष्ट्र से आ रही है, जो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो व्यूअर्स मेरे साथ अभी जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि ये चिश्ती साहब है जो महाराष्ट्र के अंदर जिनको जो था वो शॉर्ट डेड किया गया। मैं आपको बता दूं ये चिश्ती साहब, इनको जो है वो शॉर्ट डेड किया गया, और ये उनकी तस्वीर है, आप देखेंगे कितना नूर जो है वो इनके चेहरे के ऊपर जो है वो झलक रहा है। इस समय की बड़ी खबर जो है निकल के आ रही है वो महाराष्ट्र के इलाके से जो है वो खबर निकल के सामने नजर आ रही है, और मैं आपको साफ तौर पे ये बता दूं ये बहुत ही दुखद समाचार है। और पुलिस ने जो है वो स्टेटमेंट दिया और साफ तौर पर यह कहा है कि मेन सस्पेक्ट जो है इसमें बताया जा रहा है वो चिश्ती साहब का ड्राइवर ही जो है वो मेन सस्पेक्ट बताया जा रहा है, क्योंकि जब उसने गोली चलाई, जब गोली चलाने के बाद वो वहां से फरार हुआ तो उनकी अपनी SUV गाड़ी जो थी उनको लेके, उस गाड़ी को लेके जो है वो फरार हुआ है, और सीधा ही जो गोली मारी गई है, उनके माथे के ऊपर जो है वो गोली मारी गई है। काफ़ी स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ पे निकल के सामने आ रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें ये कहा गया है कि वो अपनी कंट्री के अंदर जो थे वो अफगानिस्तान सिटीजन जो थे वो नहीं थे, क्योंकि बेशक रहने वाले अफगानिस्तान के थे लेकिन वहाँ की सिटीजनशिप नहीं थी। आप जानते हैं पीर फकीर जो होते हैं उनका कोई स्थान नहीं होता, उनको जहाँ से हुक्म होगा वो वहाँ पे जो है जाना पसंद करते हैं, तो वहाँ की कोई सिटीजनशिप नहीं थी, वहाँ पे उन्होंने कोई जगह जमीन जो थी वो नहीं खरीदी थी। लेकिन लोग इनको मुंबई महाराष्ट्र के अंदर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, और इनको जो है वो सूफी बाबा के नाम से जो था इनको लोग पुकारते थे, और वो मुंबई की ओर जा रहे थे
ठीक 200 किलोमीटर पहले ही, मुंबई से 200 किलोमीटर पहले ही मैं आपको बता दूं कि उनको जो है शॉट डेड किया गया और किलर जो है वो एसयूवी गाड़ी में जो एसयूवी गाड़ी लेके जो है वो फरार हो गया वहां से, और मौके वारदात से ड्राइवर भी जो है वो फरार है, और मेन सस्पेक्ट जो बताया जा रहा है, मारने वाला जो बताया जा रहा है, जिसने चिश्ती साहब को गोली मारी है, वो उनका ही ड्राइवर जो है वो बताया जा रहा है जिनको गोली मारी है। और चिश्ती साहब की उम्र मैं आपको बता दूं कि 35 साल उनकी उम्र जो है वो इस समय है, और काफ़ी ज़्यादा फेमस और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वहाँ लोकल्स के बीच में, और लोग उनको सूफी बाबा के नाम से जो है वो पुकारते थे। लेकिन अब जो चिश्ती साहब है, जो सूफी बाबा जी हैं, वो आज हम लोगों के बीच में नहीं है। इसके लिए कमेंट सेक्शन में इनल्लाही व इनल्लाही राजीऊन जो है वो ज़रूर लिखें, ताकि और हम भी दुआ करते हैं कि उनकी जो वो जो है वो जन्नत में जो है सीधा जन्नत में जाएं, क्योंकि ये एक बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही शर्मनाक हादसा जो है वो महाराष्ट्र के इलाके के अंदर जो है वो पेश आया है। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप इसी तरह से बने रहे जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।